जमाने का जिक्र है। जंगल के बिल्कुल कोने में सुनहरे बालों वाली लड़की रहती थी और इस लड़की का नाम था गोल्डिलॉक्स। ये बच्ची इतनी प्यारी थी कि जो कोई भी इसे देखता था वो बस देखता ही रह जाता था। वो खूबसूरत तो थी लेकिन कई बार वो शरारती भी हो जाती थी। जब भी वो घर से बाहर खेलने के लिए जाती तो उसकी वालदा उसे हमेशा एक ही बात समझाती, बेटा बागीचे में जाओ मगर लकड़ियों के पास मत जाना। गहरे जंगल में एक बहुत बड़े घर में बेयर फैमिली रहा करती थी। एक बड़े दाढ़ी वाले पापा बेयर, उनसे छोटी मामा बेयर और एक छोटा बेयर। मामा बेयर हमेशा नाश्ते में गंदुम बनाती थी। एक दिन बेबी बेयर सबसे पहले उठकर अपना खाना खाना शुरू हो गया, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो बहुत गर्म था। मम्मा, क्या हम खाने के बाद कुछ देर के लिए वॉक पे चलें? मम्मा पापा और बेबी बेयर अपना खाना छोड़कर एक वॉक के लिए निकल पड़े। और उसी दिन गोल्डिलॉक्स अपने बागीचे में खेल रही थी और नाश्ते के लिए इंतजार कर रही थी। और वो एक ही जगह पर खेल खेल कर बहुत बोर हो चुकी थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना लकड़ियों के पास जाया जाए। क्या हो जाएगा अगर मैं वॉक पर चली जाऊंगी तो? उसने इधर उधर देखा और देखा कि कोई नहीं है, तो वो जंगल की तरफ भागने लगी। जब वो थक गई तो वो रुक गई और उसने इधर उधर देखा। कितना प्यारा जंगल है, इतने प्यारे फूल पेड़, मैं इससे पहले यहाँ पर क्यों नहीं आई? वो जंगल की गहराइयों में जाने लगी और दूसरी तरफ अपनी फैमिली के साथ जाते हुए बेबी बेयर ने शहद की मक्खियों का छत्ता देखा। ये देखो, ये कितना बड़ा है, इसमें जरूर बहुत शहद होगा। पापा, क्या हम शहद खा सकते हैं? नहीं मेरे बेटे, ये शहद की मक्खियों का घर है, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। हम किसी के घर जाके ऐसे खाना नहीं ले सकते, ये सही नहीं है। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से हमें घर जाकर नाश्ता करना चाहिए। दूसरी तरफ गोल्डिलॉक्स चल चल कर बहुत थक चुकी थी। आखिरकार वो खो गई। उसने पीछे जाना चाहा लेकिन उसे रास्ता याद नहीं था। वो बहुत भूखी हो गई। वो इतना थक चुकी थी कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो थोड़ा सा और चली और आखिरकार वो रोड के आखिर पर आ पहुंची। और वो उस घर पर आकर रुकी जहां पर बेयर फैमिली रहती है, पेड़ों के बीच में। वो चुपके से घर के अंदर गई, थोड़ा सा चली लेकिन उसे घर में कोई नहीं दिखा। उसने दरवाजा भी बजाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद उसने खिड़की से देखा, उसने देखा कि 3 बाउल खाने से भरे हुए हैं। वो दोबारा दरवाजे के पास गई और उसने दरवाजा जोर से खटखटाया और दरवाजा खुला और गोल्डिलॉक्स ने देखा कि अंदर कोई नहीं है। उसने आवाज भी दी, क्या यहाँ कोई है? जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो अंदर आ गई। वो टेबल के पास आई तो टेबल के ऊपर 3 बाउल्स खाने से भरे हुए थे, एक बड़ा, एक दरमियाना और एक छोटा। क्योंकि वो बहुत भूखी थी तो वो पहले बड़ा वाला खाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने चमचा अपने मुंह में रखा उसका मुंह जल गया क्योंकि खाना अभी भी गर्म था। वो जल्दी से दरमियाने बर्तन पे आई और उसने उससे खाना शुरू किया, लेकिन वो बहुत ठंडा था। ये बहुत ठंडा है। आखिर में वो छोटे वाले बर्तन पर आई। ये तो ना ज्यादा ठंडा है ना गर्म, ये तो बिल्कुल वैसी है जैसा मुझे चाहिए था। तो उसने जल्दी से उसमें से सब खा लिया। जब वो खाना खा चुकी थी तो वो चाहती थी कि वो उन 3 कुर्सियों में से किसी एक कुर्सी पर बैठ जाए। उन 3 कुर्सियों में से एक थी बड़ी, एक थी दरमियानी और एक थी छोटी।
सबसे पहले गोल्डीलॉक्स ने सबसे बड़ी वाली पर बैठने की कोशिश की, लेकिन वो उसके ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही थी। उसने दरमियानी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत सख्त थी और सुकून नहीं दे रही थी। आखिरकार वो छोटी कुर्सी पर बैठ गई। ये बहुत नर्म थी और गोल्डीलॉक्स के साइज की थी। लेकिन अचानक कुर्सी चार टुकड़ों में हो गई। एक बहुत तेज आवाज के साथ गोल्डीलॉक्स ने अपने आप को नीचे पड़ा हुआ पाया और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। फिर वो दूसरे कमरे में गई और देखा कि वहाँ तीन बेड थे, एक बड़ा, एक दरमियाना और एक छोटा। पहले वो बड़े बिस्तर पर गई। ये उसके लिए बहुत बड़ा था और बहुत सख्त भी था। दूसरा वाला उससे थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन बहुत नरम था। तो वो तीसरे बेड पर आकर लेट गई। ये गोल्डीलॉक्स के साइज का था और बहुत आराम दे रहा था और इतना नरम था कि गोल्डीलॉक्स जल्दी से सो गई। जब गोल्डीलॉक्स सो रही थी तो बियर फैमिली वापस घर आ गई। पापा बियर अपने साथ थोड़ी लकड़ियां लाए जो कि चिमनी के लिए थी। मामा बियर फ्रेश बेरीज लाई और बेबी बियर अपना खाना खाने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा था। जब वो घर पर आए वो सीधा टेबल पर बैठ गए। पापा बियर ने अपने खाने पर देखा और वो बहुत गुस्सा हुए। किसी ने मेरे खाने को हाथ लगाया है। मामा बियर ने भी अपनी प्लेट पर देखा। किसी ने मेरा खाना भी चखा है। और जब बेबी बियर ने अपनी प्लेट पर देखा तो वो रोने लग गया। अरे मेरा खाना तो किसी ने पूरा ही खा लिया, अब मैं इतना भूखा हूँ, मैं क्या करूँ। वो जल्दी से उठे और पूरे घर को देखने लगे। पापा बियर ने अपनी चेयर चिमनी के सामने देखी। कोई मेरी कुर्सी पे भी बैठा, देखो ये किसी और जगह है। फिर मामा बियर ने भी अपनी चेयर देखी। कोई मेरी चेयर पे भी बैठा है। और पहले की तरह बेबी बियर रोने लगा। मेरी चेयर पे कोई बैठा और उसे तोड़ भी दिया। बियर फैमिली तंग आकर अपने बेडरूम की तरफ निकल गए। किसी ने मेरे बेड को भी इस्तेमाल किया, देखो ये कैसे हो सकता है। कोई मेरे बेड पे भी लेटा था। किसी ने मेरे बेड को भी इस्तेमाल किया, मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं क्या करूं। पापा बियर बेबी बियर के बेड के पास आए और उन्होंने देखा कि वाकई में कोई अभी भी सो रहा है। हल्के से ब्लैंकेट हटाया और वो बहुत हैरान हुए देखकर कि एक छोटी लड़की सो रही है। ये छोटी सी बच्ची आखिर हमारे घर में कैसे आ गई? पापा आप इस लड़की को फौरन मेरे बेड से हटाएं। बेबी बियर की रोने की आवाज से गोल्डीलॉक्स उठ गई और उसने देखा कि पूरी बियर फैमिली उसके सामने खड़ी है और वो जल्दी से भागने लगी। वो घर से बाहर निकली और बगैर पीछे देखे भागने लगी। उसको सांस नहीं आ रही थी लेकिन वो फिर भी भाग रही थी और उसे जाने का रास्ता तक नहीं पता था। और उसी वक्त उसने देखा कि उसके घर वाले उसे बुलाने आ रहे हैं। जब वो घर नहीं आई तो वो बहुत परेशान हो गए थे। गोल्डीलॉक्स अपने घर वालों को देख कर बहुत खुश हुई। वो जल्दी से उनकी तरफ भागी। मामा, हम इतना परेशान हो रहे थे, तुम ठीक हो? मैं अब से अकेली नहीं जाऊंगी मम्मी, मैं आपकी बात मानूंगी अब। गोल्डीलॉक्स ने अपने घर वालों को बहुत तेज गले लगाया और उस दिन से वादा किया कि वो बगैर बताए कहीं भी बाहर नहीं निकलेगी और अब से वो कभी भी अपने घर वालों की बात मानने से मना नहीं करेगी।